याज्ञवल्क बाबा ने पूछा, संक्षेप में सुनाऊं या विस्तार से सुनाऊं? बड़े लोगों की चर्चा है। भरद्वाज जी महाराज ने निवेदन किया, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी कहो सो नाथ बिस्तारी। देव, जैसे मेरा भारी भ्रम मिटे उसी प्रकार कथा सुनाइए, परंतु विस्तार से सुनाइए। भगवान की कथा का संक्षेप नहीं है। हम लोग पुनरावृत्ति करने के लिए नवे दिन भुसुंडी रामायण के आश्रम में कर देते हैं। कथा का विस्तार है। लोगों को अभ्यास होता है, भगवान की कथा जितना विस्तार हो उतना अच्छा। कथा का विस्तार होना चाहिए, व्यथा का विस्तार न हो। ये व्यथा कथा क्या है? कहां गया तिवारी? ले जरा हिट कर बेटा, इनको दे दीजिए। जीव की कथा व्यथा है और जगदीश की कथा कथा है। जीव की अपनी कोई कथा नहीं है। कहो सो कथा नाथ विस्तारी। अब देखिए, पूछा गया है राम जी की कथा को और याज्ञवल्क जी महाराज ने सुना दिया भोले बाबा माँ भगवती की कथा को। ये क्या है? प्रातस्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज के दिव्य ग्रंथ का अलौकिक प्रबंधन है। बाबा किससे क्या कहलाना है, किसकी कथा कहाँ से गानी है, इतना सुंदर प्रबंधन करते हैं। मानस प्रबंध काव्य है। पाठ न करिए, समझ के पढ़िए। अद्भुत मैनेजमेंट है, अद्भुत प्रबंधन है। याज्ञवल्क बाबा ने कहा, भरद्वाज जी, राम किरण समाना पाना।
करा। राम कथा चंद्रमा की किरणों के समान, जैसे चंद्रमा से शरद ऋतु में पूर्णिमा तिथि को अमृत कण वृष्टि होती है, अमृत रस वर्षण होता है, उसी प्रकार श्री राम कथा रूपी अमृत का रस वर्षण संतों के श्रमुख से होता है। श्री राम कथा चंद्रमा की माधुर्य रस भरी किरणों के समान है और सुनने वाले संत भाविक साधक वृंद उस अमृत रस का अपने कर्णपटों से पान करते हैं। संत चकोर करेंगे पान। राम कथा जीव का महामोह। महामोह क्या है? हम नहीं तो कौन। मोह सामान्य सहज व्यवहार, ये मोह है। ना रहब तो भूखे मर जाए भाई, वहां मोह है। हम ही घर उठाए हैं जी, ना रहब तो पता चली। अरे सब 1.5 अरब लोग तो नहीं है बका, मैं ही सब कर रहा हूं, ये महामोह है। मैं नहीं तो कौन, ये महामोह नहीं है, ये खोज है। हम ही हैं तो हो रहा है, नहीं रहेंगे तो किसी के बस का नहीं है। ये जो अज्ञान परक ज्ञान है, ये मोह है, महामोह है। और ये महामोह कैसे टूटेगा? महामोह महिषासुर है। राम कथा साक्षात कालिका महिषासुर मर्दिनी माँ भगवती है। श्री राम कथा श्रवण करते करते धीरे धीरे ये मोह रूपी महिषासुर अपने आप नष्ट हो जाता है। उत्तरकांड 61 क्रमांक। बिनु सत्संगन हरि कथा तेहि बिनु मोहन, मोह गए बिनु राम पद हो ही न दृढ़। सत्संग के बिना भगवान की कथा प्राप्त नहीं होती है और भगवान की कथा सुने बिना जीव का मोह नहीं जाता। मोह मुक्त होना होगा तो राम जी की कथा श्रवण करनी पड़ेगी, ऐसा याज्ञवल्क जी महाराज भरद्वाज जी के प्रति कहते हैं। भगवान की कथा भी बुद्धि से न सुनी जाए, हृदय से सुनी जाए, अज्ञानी मन के सुना जाए, सहज होकर सुना जाए, गठरी लाद के न सुना जाए, ज्ञानी बन के न सुना जाए। कथा कितनी मधुर है, कितनी सरल है, कितनी सीधी है, सपाट है।